दोस्तों, मैं उस्मानाबाद से बोल रहा हूँ, यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में हमने दुबे जी कार म्यूज़िक हब यहाँ से एक डिस्प्ले मंगाया था, जो कार का स्टोरियो हब रहता है ना, वहाँ से डिस्प्ले मंगाया था। तो 10 इंच का डिस्प्ले है, तो जैसे ही कुरियर से आया हमने उसको यहाँ बिठा दिया। तो देखते हैं वो कैसे चलता है, उसके वर्किंग कैसी है, उसकी बिठाने के लिए जो बैटरी फ्रेम वगैरह उसके बारे में आज हम जान कर लेंगे। पहले तो ये फ्रेम बिठा कर लिया हमने, जो कि एकदम परफेक्टली बैठी है। यहाँ से देखिए कोई गैप वगैरह भी नहीं है। और उसके बाद जो वायरिंग वगैरह करने के वगैरह मैकेनिक को थोड़ी दिक्कत आई थी। दिक्कत आने के बाद लेकिन उसने परफेक्ट बिठा तो दिया है, सब एकदम परफेक्ट बैठ गया है, सब हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है इसके अंदर। तो देखिए डिस्प्ले चलता है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर टाइम दिखाता है, जो स्पीड है यहाँ पर, जैसे गाड़ी चलेंगी स्पीड भी बढ़ जाएंगी। FM रेडियो वगैरह है, यूट्यूब है, जो पूरा एकदम फुल एंड्रॉयड है, एकदम 10 इंच का है। बिठाने में जो बटन वगैरह है ऊपर नीचे हो गए थे, तो जो बटन है यहाँ पर ऊपर गए हैं इंडिकेटर के वगैरह, और जो AC का भी है जो सेक्शन ऊपर चला गया है। तो ये जैसे AC चला लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिकेटर वगैरह चालू है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, एकदम परफेक्टली वर्क होता है, देख सकते हैं आप। तो ये एकदम फाइन फिनिशिंग के साथ बैठ गया है गाड़ी के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो डिस्प्ले है ये एकदम फाइन सेटिंग से बैठ गया है, तो जो एंजॉय यूज़र्स है इसको एकदम परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस कैसे देखेंगे हम चलाकर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको YouTube लगा के दिखाता हूँ, देखते हैं YouTube। ये YouTube है, यहाँ पे जो जैसे मोबाइल में चलता है नॉर्मल मोबाइल में वैसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक अगर वीडियो लगा कर देखते हैं हम, तो चलिए हम इंटरव्यू प्ले करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले परफेक्ट चल रहा है, देखिए देख सकते हैं आप। जो यहाँ स्पीकर है, स्पीकर में से अच्छी सी आवाज भी आ रही है, आवाज भी बढ़ सकता है इसका, आवाज भी कर देंगे। उसी बात करेंगे, पापी साहब जो ब्लू स्टार कंपनी है उसकी रेपुटेशन क्या है, प्रोडक्ट रेंज क्या है, स्टेबल कहाँ पे है, एग्जैक्टली बात करूं तो भाई। तो देखा आपने यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी है, जो बटन्स है, ये माइक का है, उसके नीचे ISP बोलता है, ऑन ऑफ का है, होम का है, बैक स्क्रीन, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह, ये जो फंक्शन है ये बटन के फुली फंक्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे छोटा सा माइक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये माइक के जरिए से आप जो भी बोल देंगे जो एकदम परफेक्ट जाएगा, माइक एक्सटर्नल लगा भी सकते हैं या फिर इनबिल्ट भी माइक है इसके अंदर, इसकी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, एकदम परफेक्टली स्मूथ वर्किंग है। थोड़ा हमको मैकेनिक को थोड़ा दिक्कत आ गई थी लगाने के लिए, लेकिन बाद में उसको आराम से एकदम फाइन फिनिशिंग के साथ बिठा दिया है। तो इसके अंदर गूगल मैप भी वगैरह है, उसके कुछ फंक्शंस है, गूगल मैप को दिखाएंगे। ये गूगल मैप है, ये परफेक्टली वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गूगल मैप है, दिखेंगे यहाँ पर जो गूगल वगैरह है, असिस्टेंट वगैरह है इसके अंदर, सब जो ये नॉर्मल जैसे मोबाइल में होता है सेम वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एकदम जो लोकेशन है, जो लोकेशन दिखा सकते हैं यहाँ, ये उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी के अंदर एकदम फुल्ली फंक्शनली है। इसके अंदर एक साथ दो USB अडैप्टर भी आए हैं, ये दो, एक एक्सटर्नल USB मेमोरी कार्ड लगाने के लिए जो है, ये आपके लिए USB जैसे कि मेमोरी कार्ड वगैरह होता है, ये लगाने के बाद यहाँ पर उसके इंटरफेस आ जाएगा, क्लिक करने के बाद जो भी डाटा है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इसके साथ, म्यूज़िक वगैरह जो भी है। तो इस तरह से कुछ इसके बेसिक फंक्शंस थे। तो आप देखते हैं, इसके अंदर एक रिवर्स कैमरा का भी ऑप्शन है, जो कंपनी तरफ से जो डिस्प्ले के अंदर हमको मिल गया था। तो ये जो रिवर्स कैमरा है कुछ इस टाइप का है, जैसे कि लाइट लगती है जब रिवर्स गियर डालेंगे, यहाँ लाइट लग जाएंगी। तो ये जब रिवर्स गियर में रहेंगी तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जो बैक साइड का है वो दिख जाएगा। रिवर्स गियर के अंदर से जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर आप जो भी रिवर्स का है वो दिख जाएगा। ये रिवर्स गियर डाला है मैंने, ये जैसे कि देखो गाड़ी चल रही है तो वो हिसाब से जो मैपिंग है वो दिख रही है, वो उसके हिसाब से भी चल रहा है। सो आखिर में हम मिस्टर म्यूजिक कार म्यूजिक हब को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिसने हमको इस डिस्प्ले में बनाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए बहुत मदद की, और जिनकी वजह से आज हम इस वंडरफुल कार के अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस ऑल दिस हेल्पिंग।